कृतिका पांडे 5 मिनट 20 खबरों में आपका स्वागत है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के अचानक निधन से देश भर में शोक व्याप्त। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इंडोर स्टेडियम में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी ने पारिकर जी को श्रद्धांजलि दी और शोक व्यक्त किया। उनके निधन का जिक्र करते हुए कहा कि यह सुनकर बहुत दुख हो रहा है कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर का निधन हो गया है। काफी समय से बीमार थे। सार्वजनिक जीवन में उनकी एकता, प्रेम और समर्पण और देश के लिए एवं लोगों के लिए उनकी सेवा को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। अपने मिलनसार व्यक्तित्व और सादगी भरे स्वभाव की बदौलत राज्य के पसंदीदा नेता बने रहे। उनकी जन समर्थन नीतियों ने गोवा को प्रगति की उल्लेखनीय ऊंचाइयों पर पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्री के तौर पर भारत में हमेशा उनको याद रखा जाएगा। इस दौरान उन्होंने कई अहम फैसले लिए। उन फैसलों ने भारत की सुरक्षा क्षमता, देश की रक्षा उत्पादन को बढ़ा दिया है और पूर्व सैनिकों के जीवन को बेहतर बनाया है। स्वर्ण नगरी में होली का धमाल देखना शुरू हो गया है। एकादशी के साथ 3 दिवसीय रंगोत्सव होली का आज विधिवत आगाज हुआ। जैसलमेर के सोनार किले के फाल्गुन मास की अष्टमी से चले आ रहे फाग उत्सव का समापन आज हुआ। राज परिवार के सदस्य सोनार किले में स्थित नगर के आराध्य देव भगवान लक्ष्मीनाथ के मंदिर पहुंचे तथा वहां चल रही फाग में फागणियों के साथ होली खेली। कार्यक्रम की कड़ी में आज ब्राह्मण समाज की रैली निकाली जाएगी। गैर राज दरबार में धोक की परंपरा के निर्वाहन के बाद घर घर जाकर नेक एकत्रित करेंगे, साथ ही इसमें भाइयों की कुशल कामना की जाती है। राज परिवार के सदस्य सोनार किले में स्थित नगर के आराध्य देव भगवान लक्ष्मीनाथ के मंदिर पहुंचे तथा वहां चल रही फाग में फागणियों के साथ होली खेली। कार्यक्रम की कड़ी में आज ब्राह्मण समाज की रैली निकाली जाएगी या गैर राज दरबार में धोक की परंपरा के निर्वाहन के बाद घर घर जाकर नेक एकत्रित करेंगे, साथ ही इसमें भाइयों की कुशल कामना की जाती है। इसके साथ ही त्रयोदशी को सामूहिक भोज व उसके बाद लक्ष्मीनाथ मंदिर में सदियों से सूरदास, मीरा, चंद्र सखी आदि कवियों के व्रज आदि गीत गाए जाते हैं। मंदिर परिसर पाक के दौरान श्रद्धालुओं से खचाखच भरा नजर आया। तबले की थाक पर अबीर गुलाल, फूलों के रंग और पिचकारी से होली खेली गई। इसके साथ स्वर्ण नगरी भ्रमण करने आए सैलानी भी लक्ष्मीनाथ मंदिर में फागोत्सव का लुत्फ उठाते नजर आए। ओसिया के ग्राम पंचायत पंडित जी की ढाणी स्थित मेघ चेतना फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ओसिया के तत्वाधान में मेघ मिलन अभिनंदन समारोह शिव धूनी पंडित जी की ढाणी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि जैसलमेर विधायक रूपा राम धनदेव व के आर कटारिया, रिटायर्ड आयकर आयुक्त ने अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर किया। युवाओं ने रूपा राम धनदेव को 51 किलो की पुष्प माला पहनाकर विशेष स्वागत किया एवं उन्हें सामान्य सीट पर विधायक बन समाज के गौरव बढ़ाने के लिए मेघराज शिरोमणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे कमलेश नाहिलिया ने समाज के लोगों की जमकर वाहवाही लूटी। कार्यक्रम में आर मेघवाल सहित सभी मेहमानों ने सामाजिक कुरीतियों उन्मूलन पर चर्चा की। कार्यक्रम में भारी संख्या में मेघवाल समाज के लोगों ने भाग लेकर समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रण लिया। भारत के जनवादी नौजवान DYFI के जिला संयोजक शेरा राम मेघवाल के नेतृत्व में आज मथानिया में बाईपास पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों व अन्य वाहनों पर यक्ष रेडियम के रिफ्लेक्टर चिपकाए गए तथा यातायात के नियमों के पालन करने व दुर्घटना से बचाव हेतु टेम्पलेट वितरण किए गए। यातायात नियमों का पालन करने के लिए मुख्य बस स्टैंड पर विशेष ध्यान रखा गया, जिसमें यातायात शिक्षा के हनुमान सिंह जी ने अपनी टीम द्वारा विशेष यातायात शिक्षा का महत्वपूर्ण जानकारियां दी। अध्यक्षता स्थानीय पुलिस थाना अधिकारी डॉक्टर गौतम गुटासरा रहे। वार्ड DYFI के जिला संयोजक मुकेश टन, एडवोकेट किशन मेघवाल, महिपाल सिंह चारण, ईश्वर मेघ रामकिशोर, अमृत लाल भू परिहार, दशरथ कड़ेला बैरसा, भैरसा खमियादा, जितेंद्र देवड़ा, फारूक आयुब खान, शक्ति दानचारण, जुगल किशोर देवड़ा, दुर्गा प्रसाद कन्हैयालाल, हाजी राम व अन्य सैकड़ों लोग शिविर में शामिल हुए। ख्वाजा साहब के 807वें वर्ष में दरगाह में उमड़े अकीकतमंद बड़े कुल की रस्म होने के साथ ही विधिवत संपन्न हुआ, लेकिन जायरीनों का आना जाना जारी है। आज मुंबई से 15 सदस्यों के दल ने चांदी का ताज सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में पेश किया। सभी को जियारत दरगाह के खादिम सैयद साकिर अली चिश्ती ने कराई और तबरूक दिया। चांदी का ताज दिल्ली गेट से निजाम गेट तक जुलूस के रूप में लाया गया। चांदी का ताज करीबन आधा किलो का है। पिछले 15 सालों में अजमेर आ रहे इस बार मन्नत पूरी होने पर चांदी का ताज पेश किया।
जैसलमेर लाठी कस्बे में वन विभाग के पास रविवार देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर जैसलमेर जोधपुर की तरफ जा रही कार ने सड़क पार कर रही गाय को टक्कर मार दी, जिसमें गाय की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं गाड़ी में सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को राहगीरों द्वारा निजी वाहन से लाठी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ से उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार रविवार शाम जोधपुर निवासी नितेश उम्र 26 वर्ष, पुत्र चंद्रशेखर तथा रोहित 30 वर्ष, पुत्र प्रकाश महेश्वरी जैसलमेर से जोधपुर आ रहे थे। इस दौरान रास्ते में यह हादसा हुआ। डॉक्टर विशेष थानवी व दुर्गाराम नायक ने प्राथमिक उपचार करने के बाद दोनों घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया है। सूचना मिलने पर लाठी पुलिस थाने से थानाधिकारी नेमाराम, मुख्य आरक्षक लक्ष्मण रामवाली, भागीरथ चौधरी, श्यामलाल सहित पुलिस मौके पर पहुंची। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ टीवी इंडिया पर।